लाख पाबंदियां होने के बावजूद कोरोना पर जितिया पर्व भारी पड़ गया। पुत्रों के दीर्घायु होने की कामना और उनकी सलामती के लिए आस्था के साथ किए जाने वाले जितिया पर्व पर महिलाएं गंगा घाटों पर स्नान करने पहुंची। जिले में चौसा के महादेव घाट सहित रामरेखा घाट पर इस दौरान काफी भीड़ देखने को मिली। बताते चलें कि गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने गंगा स्नान पर रोक लगा रखा था। रोक के बावजूद भी रामगढ़, सासाराम, आरा, विक्रमगंज, बक्सर जिले से महिलाओं की भारी भीड़ गंगा स्नान के लिए जुटी। गंगा घाटों पर ये नजारा देखकर समझा जा सकता है कि कोरोना और प्रशासन की गाइडलाइन पर महिलाओं की आस्था भारी है। गंगा स्नान में रोक के बावजूद लाखों महिलाओं ने कई किलोमीटर पैदल चलकर स्नान कर कथा भी सुनी। रामरेखा घाट पर जगह जगह पुजारी व्रती महिलाओं को कथा सुनाते देखे गए। बेटा के लिए करते हैं। हाँ, बेटा बेटी खाती हैं। अच्छा, ये बताइए माताजी कि ये काफी महिलाएं पैदल आ रही हैं। प्रशासन के रोक लगाने एकदम गलत कर रहा है। प्रशासन गलत कर रहा है। हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल। आप लोग कहाँ से आए हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए? हम लोग तो चौसा से आए हैं। आप आरा जिला से आए हैं? इतना कष्ट किए हैं बिना अन्न जल के हैं, आ गंगा नहाए नहीं आएंगे? बोलिए। अच्छा, क्या प्रथा है माता जी? कहे नहीं प्रथा है, प्रथा है तब तो बिना अन्न जल के मैं भूखा हूँ। बेटा खातिन, बेटी खातिन, धन खातिन, पुत्र खातिन, सामान खातिन, रोटी रोजी खातिन, इसीलिए न सब लोग भीड़ लगा है। आ प्रशासन गलती करता है कि लंगे पावे जाओ, पैदल जाओ, कहीं जाओ, जा घर पर क्यों जाओ? काया डहते हैं घर रहने के लिए? हम लोग के तो कुछ क्षमता है? इतनी कठिन परिश्रम करके परिश्रम करते हैं का? धूप में इतना दूर पैदल आना हम लोग के जरूरी है कि परिश्रम करते हैं, उसका फल हम लोग के भगवान देंगे। क्या करना चाहिए? प्रशासन गलती कर रहा है, नहीं रुकना चाहिए। नहीं, आज नहीं रुकना चाहिए, यहाँ व्यवस्था करना जी। वहीं इस व्रत की महत्ता पर भी पुजारी ने बताया कि जितिया के दिन महिलाएं स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और जीवित वाहन की पूजा करती हैं। बात नहीं, अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए, दीर्घायु के लिए अखर रहती है, इसलिए अपने बच्चे लंबी उम्र खाती भगवान जीवित बंधन गोसाई से अपनी बच्चों की कल्याण कामना के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे बच्चे सुख शांति समृद्धि उज्जवल भविष्य रहो, निरोग रहे हमारे बच्चे पुत्र, दीर्घायु रहे। महिलाएं यहाँ पे काफी कब से आई हैं और कितनी की संख्या में होगी? यह करीब करीब महिलाएं यहाँ पर सुबह से 9 बजे से महिलाएं आ रही हैं। ये बाबा बताइए, बंद के बावजूद भी आस्था के कोरोना भारी है? आस्था भारी है कोरोना से, कोरोना से जी। प्रशासन के रोक के बावजूद भी इतनी, तभी सबसे बड़ी आस्था है, आस्था के तो सभी लोग जुटे हैं, जितनी महिलाएं हैं सभी आ रही हैं, गंगा स्नान कर रही हैं, जित बंधन को जित पुतिका का व्रत की ही है, निर्जला रही हैं, खर जीवतिया कहा जाता है इसको। बाबा, जीवतिया पर कथा सुनने की भी प्रथा है, किस तरह से पूरा पूजा की विधि होती है और उसका क्या लाभ होता है? इसमें यही व्रत पूजा, भगवान जीवित बंधन कुश की आकृति बनाकर पूजा करने से तीनों दिन सौभाग्य का वंश, सौभाग्य का बढ़ती और वंश की बढ़ती होती रहती है। बताया जाता है कि जीवित पुत्र का व्रत का काफी महत्व माना जाता है। हर साल ये व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। ये व्रत 3 दिन तक किया जाता है। व्रती महिलाएं ये व्रत संतान की लंबी आयु, सुखी और निरोग जीवन के लिए रखती है। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।